भारत की रियासत हरियाणा में दो मुसलमानों को मुबैना तौर पर गाड़ी समेत जिंदा जला दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक लाश मिलने के वाकये के अगले दिन पांच मुलजमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकतुलैन के अहले खाना की जानब से दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक मरने वाले नासर की उम्र 25 और जुनेद 35 साल का था, जिन्हें राजस्थान से अगवा किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अफराद को बुध को अगवा किया गया और अगले रोज जली हुई गाड़ी से इनकी लाशें बरामद हुई। भारतीय पुलिस के मुताबिक तहकीकात की जा रही है कि इस वाकये में गाय की हिफाजत करने वाले इंतहा पसंद तो शामिल नहीं, क्योंकि जुनेद पर गाय की स्मगलिंग के पांच मुकदमात दर्ज थे, जबकि नासिर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोनो मानिसर, लोकेश सिंगिया, रिंकू सैनी, अनिल और श्रीकांत पर मुसलमान अफराद के अगवा का इल्जाम लगाया गया है। पांचों मुलजमान इंतहा पसंद मजहबी तंजीम के कारकुन हैं, जो गाय के मुहाफिज होने का दावा करते हैं।